हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब, पेज नंबर है 18.14। और हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम, लाइंस एंड एंगल्स, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। और जो बच्चे मैथ्स की आरडी शर्मा की बुक खरीदना चाहते हैं, नया एडिशन आया है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले हम जो कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है और एज क्या होता है। तो वर्टेक्स आप देख सकते हैं, ये जो लाइंस है जहां पर मीट करती हैं, दिस इज योर वर्टेक्स, जहां पर ये तीन लाइन आपस में मीट करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एजेस हैं वो मीट करती हैं, वो आपकी कहलाती है वर्टेक्स। तो इस तरीके से टोटल वर्टेक्स आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल वर्टेक्स आपकी हो गई 8। बात करें एजेस की, तो आप देख सकते हैं जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के बीच में जो आपकी लाइन है, दिस इज योर एज। जैसे ए से लेके ई तक आपकी ये कंप्लीट एज है, जैसे ई से लेके एफ तक ये भी आपकी क्या है, एक एज है। इस तरीके से आप टोटल काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 12 एजेस मिल जाएंगे, यानी कि 12 एजेस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फेसेस की, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका एक रेक्टेंगल है, जैसे ए बी सी डी, तो ये आपका एक कंप्लीट रेक्टेंगल है, फेस है, तो इसको हमने फेस बोल दिया, ठीक है। जैसे ए बी एफ ई, तो दिस इज योर फेस। इसी तरीके से जब आप कंप्लीट काउंट करोगे, ये फेसेस आपके होंगे 6 फेसेस। आप देख सकते हैं यहां से विजुअली आप यहां पर काउंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके 6 फेसेस हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें आपकी होती है ब्रेड, हाइट और लेंथ। सो दिस इज योर ब्रेड, ओके। ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी ब्रेड होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि ए से लेके डी तक ये भी आपकी क्या है, एक ब्रेड है, और डी से लेके एच तक ये आपकी हाइट है, और एच से लेके जी तक ये आपकी एक लेंथ है, ठीक है। जैसे ई से लेके एफ तक भी आपकी एक लेंथ होगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा ब्रेड्थ होगा, कौन सी हाइट होगी और कौन सी लेंथ होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करोगे। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर आपके 6 फेसेस हैं, है ना, आपके 6 फेसेस हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो एरियाज लेने हैं, 6 में से आपको 4 लेने हैं। 2 आपको कौन से छोड़ने हैं, वो छोड़ने हैं आपके, एक तो टॉप वाला, ठीक है, दिस इज योर टॉप एरिया, ओके, और आपका एक बॉटम वाला एरिया। तो ये आपका बॉटम वाला है, ओके, जो नीचे वाला है बेस है, और ये आपका जो टॉप वाला है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके अलावा आपके कितने फेसेस बच गए, 4 फेसेस बच गए, है ना। आपने 2 ये छोड़ दिए, डिस्कार्ड कर दिए, और जो बाकी जो 4 बचे हैं उनका आप एरिया ऐड कर लोगे। तो जो ऐड करने के बाद आपका एरिया निकल के आएगा, वो आपका होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने यहां पर लिख दिया फाइंड एरियाज ऑफ 4 फेसेस। तो 4 फेसेस कौन से होंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो 4 बचे वो आपके 4 फेसेस होंगे, उनका एरिया आपको लेना है, लिविंग बॉटम एंड टॉप फेसेस, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप निकाल लोगे लेटरल सरफेस एरिया। आप देख सकते हैं 4 फेसेस हैं आपके, ठीक है। पहला फेस होगा आपका AEHD, और हर एक फेस आपका कैसा होता है, एक रेक्टेंगल होता है, तो बेस इनटू हाइट यहां पर हो जाएगा, है ना, तो आप लिख दोगे बेस इनटू हाइट। और दूसरा हो जाएगा आपका BFGC, ठीक है। तो ये भी आपका सेम ही होगा, आमने सामने है, तो इसका एरिया भी बिल्कुल सेम होगा, B इनटू H। इस तरीके से ABFE, देखिए A, ठीक है, BFE, ये वाला फेस जो सामने वाला है आप देख सकते हैं, फ्रंट वाला, ओके, जो फेसिंग है आपका फ्रंट फेसिंग, इसका एरिया होगा L इंटू H,
क्योंकि ये आपका कंप्लीट एक एल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एच, है ना, दिस इज योर एच, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच। इस तरीके से डी एच जी सी आप देख सकते हैं, डी एच जी सी जो इसके जस्ट अपोजिट में है, है ना, पीछे की तरफ में, तो इसका एरिया भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ये आपका एल हो गया, है ना, और ये आपका एच हो गया, तो इसका एरिया भी कैसा हो जाएगा, एल इंटू एच, बिल्कुल सेम होगा। तो आप इन चारों एरियाज को ऐड कर लोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू बी प्लस एल इंटू एच। सो दिस इज योर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की। तो जिस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या किया था कि टॉप और बॉटम के एरियाज को हमने छोड़ दिया था, लेकिन यहां पर क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब टॉप और बॉटम का एरिया भी इस बार इंक्लूड होगा। तो यानी कि 6 के 6 फेसेस का जो एरिया है वो हमको यहाँ पर लेना है, है ना। आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड एरियाज ऑफ ऑल फेसेस इंक्लूडिंग बॉटम एंड टॉप फेसेस, है ना। तो चार फेसेस का तो हमने यहाँ पर ले ही रखा था, तो इस बार क्या किया हमने, प्लस ए बी सी डी, यानी कि ये जो एरिया है ऊपर का ए बी सी डी, ठीक है, ये एरिया भी हमने ले लिया, ओके। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया है आपका ई एफ जी एच, इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो फाइनली आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। सो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहां पर गिवन है कि लेंथ आपकी 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, हमने पढ़ा कि फॉर्मूला जो होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देनी है, है ना। एल का वैल्यू 80 है, बी का वैल्यू 40 और एच का वैल्यू 20 है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम मैनर आपको फाइंड कर लेना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले हमने अभी इसको ड्राइव किया था। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज को पुट कर देना है और इसको कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ एच 10 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने सॉल्व किया था क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, इस बार हमें सॉल्व करना है क्यूब के लिए। तो ये फिगर है आपकी क्यूब की, आप देख सकते हैं इसका जो फेस होगा वो आपका कैसा होगा, एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा, है ना। जितने भी फेस होंगे, है ना, यहां पर देख सकते हैं आप 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस कैसे होंगे आपके, स्क्वायर की शेप में होंगे। तो स्क्वायर की शेप में होंगे तो इसका मतलब है जो उसकी एज होगी, ठीक है, जो उसका लेंथ होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। अगर इसको मैंने एल बोल दिया तो ये भी आपका एल होगा, जो ब्रेड्थ होगा इसकी हाइट भी आपकी एल होगी, है ना। तो साइड सबकी सेम होगी क्योंकि हर एक फेस आपका कैसा है, स्क्वायर की तरह दिखता है। बात करते हैं क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले की। आप देख सकते हैं ये इनके फॉर्मूलेज हैं, कैसे हमने इनको ड्राइव किया है। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहां पर मैंने लिख दिया है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे क्यूब वाले केस में आपकी साइड सेम रहेगी तो आपने क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर साइड है ना, जैसे आप देख सकते हैं लेंथ है, ब्रेड्थ है, यहां पर ब्रेड्थ है, हाइट है ना, लेंथ है, हाइट है, तो हर जगह आपको क्या करना है, एक ही साइड आपको लिख देनी है। जैसे मैंने यहां पर नाम दे दिया है L, तो हर जगह आपको L लिख देना है। तो जैसे ही आप L पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका एल इंटू एल एल स्क्वायर, यहां पर भी एल स्क्वायर, यहां पर भी एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3L स्क्वायर, है ना, ये आपका ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6L स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो सबसे पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख लेना है, ये आपका फॉर्मूला है, ओके। तो जहां पर भी साइड है वहां पर आपको L पुट कर देना है क्योंकि क्यूब वाले केस में आपकी साइड L है, तो हर जगह आपको L पुट कर देना है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2L, 2L इंटू L, तो ये आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, L इंटू L इज L स्क्वायर, तो दैट मीन्स 4 इंटू L स्क्वायर, और यही मैंने इसको यहां पर लिखा है। तो ये आपके फॉर्मुलेस हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको गिवन है एज, एज का मतलब है साइड आपको गिवन है, L आपको गिवन है, तो आप यहां पर लिख लोगे L इज नथिंग बट योर 10 सेंटीमीटर, ओके।
तो LSA फाइंड कर लेते हैं. LSA का जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका 4 इंटू एल स्क्वायर, है ना. तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे 10 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो ये हो जाएगा आपका 6 एल स्क्वायर. तो एल का वैल्यू आपका 10 है, 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपने देखा कितना आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज को फॉर्मुलेज में पुट करना है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब. तो यहां पर आपको रेशियो निकालना है किसका, टोटल सरफेस एरिया का और लैटरल सरफेस एरिया का, किसके लिए, क्यूब के लिए. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. तो आप देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू एल स्क्वायर. एल क्या होता है, एज होता है, क्यूब का जो एज होता है यानी कि जो साइड है उसकी बात यहां पर हो रही है. और लैटरल सरफेस एरिया के लिए होता है फॉर्मूला आपका 4 इंटू एल स्क्वायर, है ना. रेशियो हमको यहां पर निकालना है, तो सिंपली यू कैन राइट देयरफॉर रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यू कैन राइट 6 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा 3/2, है ना. यू कैन राइट 3:2. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, 3:2 इज द आंसर. तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. ये दिखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत आसान है. अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया एक बार तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. तो चलिए इसको एक बार हिंदी में इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा. मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, ठीक है. मैरी एक लड़की का नाम है, वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना चाहती है, ठीक है. मान लीजिए ये आपका क्रिसमस ट्री है और इसको वो डेकोरेट करना चाहती है. डेकोरेट का क्या मतलब है, लेट्स से यहां पर कुछ भी वो ऐड करना चाहती है, फ्लावर्स हैं, ठीक है, वट एवर. शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन ब्लॉक कवर्ड विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट. देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्री है इसको वो कहां पर प्लेस करना चाहती है, ठीक है, किसके ऊपर रखना चाहती है. आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया है कि शी वॉन्ट्स टू प्लेस ऑन अ वुडन ब्लॉक कवर्ड, ठीक है. एक वुडन का ब्लॉक है, दिस इज द वुडन ब्लॉक, एक ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का ब्लॉक है, ओके. दिस इज कलर्ड विद अ पेपर, ओके, पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट, ठीक है. इस पर एक पेपर होगा, लेट से मान लीजिए इस वुडन ब्लॉक को हमने पेपर से कवर कर दिया है, ठीक है. उस लड़की ने इस पूरे के पूरे वुडन ब्लॉक को कवर कर दिया है और यहां पर कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉज की एक पिक्चर है, ओके. शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस. इसका मतलब क्या है कि उसको पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ पेपर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, कितना खरीदना है. इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो यहां पर जो वुडन बॉक्स है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि उसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ के बारे में बोला गया है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेजरमेंट है इसकी. अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर. तो इसका मतलब है देखिए कि एक स्क्वायर की फॉर्म में शीट है, ओके, पेपर की, वो कितनी इस्तेमाल होने वाली है ये जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर. लेट्स से कि यहां पर आपका एक छोटा सा शीट मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, एक यहां पर पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से कितनी आपकी शीट स्क्वायर शीट इस्तेमाल होने वाली है जिसकी साइड होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर, ओके. साइड कैसा होना चाहिए 40 सेंटीमीटर. और ये जो एक्चुअल में वुडन ब्लॉक है दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, क्योंकि यहां पर आपको मेजरमेंट गिवन है, आप देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है. तो इससे आप यहां पर जज कर सकते हैं कि दिस इज योर क्यूबॉइड. देखिए आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि इस वुडन ब्लॉक को पूरा का पूरा कवर करने के लिए जितना पेपर इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया है उसको वो कवर करता है. सो वी कैन से दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक. तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करते हो, 2 इंटू
एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे लेंथ का वैल्यू आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ का वैल्यू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो इनका वैल्यू आपको सिंपली पुट करना है। तो जैसे ही आप वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड कर लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है, लेट्स से यहां पर एक आपकी क्या है स्क्वायर शीट है, ओके, तो इसका एरिया कितना होगा। जैसे यहां पर जो साइड है वो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, है ना, जो आपकी लेट्स से यहां पर एक छोटी सी स्क्वायर शीट है और इसका साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा। ऑब्वियसली लेट्स से कि ये आपका एल है, तो कितना हो जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा, है ना, ये आपका एरिया हो जाएगा, ओके, दैट मीन्स एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, जितनी भी शीट यहां पर यूज होने वाली है स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, सबका एरिया कितना होगा, 40 × 40, दैट मीन्स 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर। तो बच्चों फाइनली अब आपको निकालना है कि कितनी शीट्स रिक्वायर्ड हैं, है ना, यही तो पूछा गया है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, यानी मैरी को कितनी शीट्स एक्चुअल में चाहिए इस वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था कितना था 11,200, अगर उसको हम डिवाइड कर दें कितने से, अगर एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर से हम उसको डिवाइड कर दें, यानी कि जो एक शीट का आपका एरिया था, ठीक है, जो स्क्वायर फॉर्म में थी, उससे हम अगर हम डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या एक्चुअल में निकल के आएगा, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो हमने क्या किया, जो टोटल सरफेस एरिया था उसको ऊपर लिखा और नीचे हमने डिवाइड कर दिया, जो एरिया है आपका वन शीट ऑफ पेपर का उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास निकल के आ गया 7। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5 की, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक रूम है उसकी मेजरमेंट यहां पर गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके सामने 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर गिवन है। अब आपको बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, तो आपको कॉस्ट निकालनी है जो पेंट होने वाला है, ठीक है, रूम की जो वॉल्स है, और एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जैसे यहां पर बोला गया है व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की दीवारों की बात करें तो आप जानते हैं 4 दीवारें होती हैं एंड द सीलिंग एक छत होती है, ओके, जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि बॉटम की मैं बात कर रहा हूं उसको हम कभी भी पेंट नहीं करते हैं। तो जब भी रूम के बारे में बात की जाए तो आपको ये एरिया निकालना है, अगर बोला जाए कि व्हाइट वॉश करना है पेंट करना है तो आपको हमेशा ये एरिया इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक एरिया छोड़ देना है बॉटम वाला, और जैसे आपकी यहां पर 4 दीवार है और एक सीलिंग है तो इनका ही एरिया आपको यहां पर यूज करना है। तो यहां पर वैल्यूज गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, आप देख सकते हैं 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, इनकी वैल्यूज को सिंपली यहां पर पुट करना है, मैंने यहां पर पुट कर दिया है, और आप एरिया निकाल सकते हैं जो हमें पेंट करना है। सो एरिया इज 74 मीटर स्क्वायर, ओके, दिस इज द एरिया टू बी व्हाइट वॉश। तो देखिए अब हमको यहां पर क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, कि जैसा आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 7.50 यानी कि 7.5 रुपए, है ना, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है व्हाइट वॉश करने का वो है आपका 7.50 रुपीज। आप देख सकते हैं मैंने इसी बात को यहां पर लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50, दिस इज गिवन। अब आपको क्या निकालना है कि जो टोटल एरिया आया है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना होगा। अगर हम यहां पर देखें 1 मीटर स्क्वायर का आपको यहां पर गिवन है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जितना आपका एरिया आया है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल जो कॉस्ट होगा व्हाइट वॉश करने का वो आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया जितना भी आपका एरिया है ना, जितना व्हाइट वॉश किया है वो एरिया से हमने क्या किया, जो आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था, तो ये आपका 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ गया, है ना। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।